हेलो सत श्रीकाल जी सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे ब्लॉग च जी असीं तुहानूं दिखावांगे धंजल एग्रीकल्चर वर्कर्स दीआं बणीआं होईआं तवीआं। इह तवीआं साडे पिंड इक साडा मित्र पैरा लिआ जी, उहनां तों असीं मंगवीआं लिआंदीआं चला के देखण वास्ते। ते अज तुहानूं असीं दिखावांगे इह 22 तवीआं दा सैट आ जी, 11 अगे 11 पिछे 22 तवीआं ने जी। 22 तवीआं आपां देखांगे चला के किवें चलदियां ने जी। ते इहदे विच अपने कोले एक्चुअली तां 10 तों वध जिन्नियां कि तवीआं होण उह 4x4 ट्रैक्टर नाल ही सैट आउंदियां हुंदियां जी, पर जिहड़े बंदे ने इह लिआंदियां ने उहदे कोल है फार्म ट्रैक 60 16 दे टायरां वाला जी, T20। तो अपने को 53-10 आप 53-10 के मगर पाइया ने, तो 53-10 के मगर पा के देखते हैं जी, नाले तुहानू भी दिखाने किवें चल दिया ने। तो आओ जी चलते हैं फिर खेतों चु। हाँ जी, तुम देख सकते हो जिस तरह धुंधल एग्रीकल्चर वर्कर्स जुड़ा बहुत सोहनिया बनिया ने जी। ग्यारह प्लस 11 ने जी, 22 ट्रैक्टर चल रहा जी, 20 काफ़ी लगिया हुई ट्रैक्टर जबरदस्त किली वधाउण लगी ने जी। पंजवीं किली पा के तुम दिखावांगे पंजवीं किली। बिल्कुल समान लग रही है पिछे, बिल्कुल ऊंचा नीवा बराबर कर रही ने बिल्कुल। बट यही है जी कि ट्रैक्टर स्लिप कर रहा, जो 4x4 ट्रैक्टर हों कोई गुंजाइश नहीं सी स्लिपिंग की। आह ने जी अपने को जिहड़ियां आपां लैंदियां ने तवियां उह धंजल एग्रीकल्चर वर्कस गुड़ा, गुड़ा पिंड फगवाड़े दे कोल पैंदा दसांझां दे कोल जी। आ तुहानूं दिखा दिंदे आ जी इन्हां दा लोगो, ते फार्मर जो फस्ट चॉइस उन्हां लिखा है जी उपर धंजल एंड 2015 सर्टिफाइड कंपनी एग्रीकल्चर गुड़ा। ये इस तरह तवियां ने जी, ये बनिया हुई 11 अगे ने 11 पिछे ने, यह बाले दे विच बनिया हुंदियां ने जी। 80 mm का मेरा ख्याल बाला जी, ये तो 6 mm थिकनेस वाला बाला जी। दोनों पासे ये उपर भार रखने वास्ते जे पक्की जमीन के उपर चलानी हो दोनों पासे इधर भी तो वो अगले पासे भी वो टायर के थले लगे जो बाला वो रखने वास्ते इन्होंने बनाई हुई ने जी। तो यह हले नवी आई ने जी तवियां, बैरिंग भी वड्डे ने जी, तुसीं देख सकते हैं बैरिंग साइज काफ़ी वड्डा। तो यह तवियां वो तो कहिंदे ने जी 12 तवियां भी साडियां 55 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर खिचूगा खिचूगा जी, मैं भी कहना खिचूगा, पर 4x4 होवे तां 4x2 मैं हाँ जा चला के देखा जी। आह ट्रैक्टर आ खेत वाया
हूँ छोटा ब्रदर आता तो फिर थोड़ा यदा गेड़ा दे के भी दिखाने जी। ये बाया तो ये तवियां लगदियां पूरी ने बराबर लगदियां ने, खाल नहीं पाउंदियां, उच्चा नीवा नहीं करदियां, कुछ नहीं करदियां, पर ट्रैक्टर स्लिप करता जी। 16 दे टायर ने, रेडियल टायर ने अपने जी, ये 16 तो भी थोड़े जे वड्डे ही हो जाते हैं रेडियल टायर, इन्हां दे साइज थोड़े होर तरह होंदे ने। ये उपर किन्ना लिखा है 420/85R28 420/85R28 ये टायर का नंबर है जी। ये 16-28 वाले यही पाते हैं, ये 16-28 तो हल्का जहा वड्डा होंदा, पर ये टायर दे विच तुसीं देख सकते हो आपां 46-46 किलो का वेट आ जी। एक तो दो वेट इधर ने, तो दो वेट ही अपने लाए हुए ने जी परले पासे, वो भी तुहानूं मैं दिखाउणा जी। 92-92 किलो आपां वेट लाया है जी। जिहड़े पहलां साडे कोल टायर हुंदे सीगे 16-28 दे इस ट्रैक्टर नूं पाए हुए, उस अद्धे के चला के लाते सी, वो टायरां दे विच असीं एक्चुअली पानी पाया हुंदा सी, वो पानी असीं पा के चलाउंदे सी तां ट्रैक्टर स्लिप नहीं सी करदा। हुण इहनां दे विच असीं वेट लाते आ पर रेडियल टायर च पानी नहीं असीं पाया, तो ये पर अज मैनूं महसूस होया कि इन तवियां दे उपर स्लिप करदा ट्रैक्टर, तोरा घट जांदा। अगर 4x4 हो फिर तोरा ना घटे, इहदा इंजन तां नहीं कोई एडा लोड मानदा, पर तोरा घट जांदा स्लिप होण करके। जिहड़ियां साडे कोल 16 तवियां ने, कह लो उहदे नालों 6 वध गईआं, 3 अगे 3 पिछे, वो 16 तवियां असीं सी पहले च वी वाही जांदे जी, इहदे नाल पूरियां कढ के, तो उन्होंने उपर ना स्लिपिंग है तो ना वह कोई लोड है, पर यह तवियां लोड तो एडा बहुत ज़्यादा नहीं, पर स्लिपिंग ट्रैक्टर की काफ़ी है, तो वो तेल वेस्ट हों स्लिपिंग के नाल, इन्होंने पानी पाया के टैसट किया जाए जी, फिर पता लगेगा स्लिपिंग कि यह तवियां सही ढंग खिंचता कि नहीं खिंचता, जां फिर ये 4x4 हो ट्रैक्टर। अगर 4x4 हो फिर ट्रैक्टर स्लिपिंग नहीं करेगा, फिर यह तवियों को हस के खिचूगा, 11 की बजाय 12 भी खिचूगा जी, ये मैं श्योर हाँ जी इस गल से। दूसरी गल दसदा जी, कई वीर मेरे सवाल करनगे, वैसे बहुते हम तो गुड़े वाली तवियों बारे जानते होने कि पिंड गुड़ा च तवियां बन दें जड़िया, उन्होंने आ टायर इदा साइड पर क्यों लगे होंगे? ये दो बेनीफिट है जी, आह तवियां तो चलो 11-11 ही ने, बहुत ज़्यादा चौड़िया वाइड नहीं गिया, जिहड़े वड्डे ट्रैक्टर वास्ते यह 14-14, 16-16, 18-18 तवियां भी बनाते हैं धंजल एग्रीकल्चर वर्कस गुड़ा वाले, उन्होंने ये ट्राली टाइप टायर ला आते हैं इत्थे जी। यह टायर इत्थों वड्डी पिन है जिहड़ी लगी हुई, मैं थानू उंगली रख के दिखाउणा जी, आ वाली जिहड़ी आ पिन है ये फिक्स है जी, आ पिन कढ़नी आ ते टायर थले सिट देना, लिफ्ट चकनी है वो बिच पा देना जी, थले वाले एस रख दे विच पिन पा देनी है, तो जो बंद करांगे तुहानू उदों हो सकदा दिखावांगे भी। तो इहदा मगरला टायर मूरला टायर लग जाणा जी, फिर जां पहलां मगरला ला लो कह लो, इस तरह मगरले टायर नूं तवियां बंद करन तों बाद इहनूं खोलना जी, खोल के थले सिट देना, उधरों रिवर्स करना ढकना इहनूं, ताके टायर थले लग जाना, तो पिन पा देनी है, फिर इस ते मूरला टायर पा लेना, तो जेड़ा मूहरे बाला पिया हो खिंचण वास्ते हिच लगी हुई है, आह चिट्टे रंग की हिच है जिहड़ी, इहनू इत्थों नीले दे विचों पिन कढ लेनी है, तो परले पासे मैं तुहानू दिखाउणा जी, आ एक सुराख बनाया है उन्होंने इतने जी, जूब लाया है बना के, ये पिन भी थोड़ी लगे दिसदी होगी जी, ये पिन दे विच लैके उन्हूं पा देना, पा के ते फिर इधर नूं ट्राली टाइप बन जानी है जी, इन्हें चौड़ाई घट जानी है, खिंच के लै जानी है सी पहले तो थोड़ी आरपीएम ड्रॉप कर रहा सी, तो उहदे विच कोई ड्रॉप तो चल रहा ला
ਅੱਗੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਰੇਸ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੱਧਰਾ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਵੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਤਵੀਆਂ ਲੱਗਣ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਆ ਟਰੈਕਟਰ 4x4 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦਾ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਲਿਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਈਏ ਚਾਹੇ 4x4 ਲਾ ਕੇ 4x4 ਕਰਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਪਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਕੰਜਮਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਊਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਡਿਸਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਿਸਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਾਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਜਲ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ 53-10 ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5ਵੀਂ ਕਿੱਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਪੂਰੀ 5ਵੀਂ ਕਿੱਲੀ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 50 ਕੁ ਚੱਕਰ ਤੋੜ ਕੇ 1700 ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ 1250 1650 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ